तो मैं निकल पड़ा हूँ कोलकाता से बारह ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए। बारह ज्योतिर्लिंग एक्जैक्टली है कहाँ कहाँ पे आप इस मैप पे देख सकते हैं। मेरे को मेरे बजट में बारह ज्योतिर्लिंग कवर करना था, तो मैं अपना ट्रिप स्टार्ट करता हूँ हिचहाइकिंग करते हुए। तो इन्होंने मेरे को मेरे सफर का पहला लिफ्ट दिया दक्षिणेश्वर से 6 किलोमीटर तक का, और मेरा ये पहला लिफ्ट मेरे को हमेशा याद रहेगा। ये तो फिलहाल अभी शुरुआत है। मेरे को जाना था कोलकाता से देवघर के लिए, जहां मेरे को बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग जी के दर्शन करने थे। तो मैं फिर लग जाता हूं अपने काम पे और इंतजार करता हूं मेरे सेकंड लिफ्ट मिलने तक का। और देखते ही देखते मेरे को मेरा सेकंड लिफ्ट भी मिल जाता है और मैं यहां से निकल पड़ता हूं सीधे दानकुनी तक। फिर मन ही मन में मैं सोचता हूं कि कब तक ऐसा चलेगा, क्योंकि अभी तक मैं सिर्फ 60 किलोमीटर ही कवर कर पाया हूं 300 किलोमीटर में। सो फाइनली मेरे को मेरा तीसरा लिफ्ट भी मिल जाता है बड़ी ही आसानी से, वो भी करीब 200 किलोमीटर तक का। सो लिफ्ट लेते हुए मैं फाइनली पहुंच जाता हूं जामताड़ा रेलवे स्टेशन। पहुंचने के बाद मेरे को पता चलता है कि मेरा ट्रेन 4.5 घंटा के बाद है, और फिर मैं 20 रुपये का टिकट कटाकर सीधे पहुंच जाता हूं मेरे बाबा के द्वार देवघर। नेक्स्ट डे बाबा बैद्यनाथ जी के दर्शन करने के बाद मैं सीधे निकल पड़ता हूं वाराणसी की ओर। बनारस पहुंचकर मैं नहा धोकर निकल पड़ता हूं काशी विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए। काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने के बाद मैं सीधे आ पहुंचता हूं दशाश्वमेध घाट, जहां मैं गंगा आरती का अद्भुत दर्शन करने के बाद निकल पड़ता हूं हरिद्वार के लिए। हरिद्वार में भी गंगा आरती का अनुभव करने के बाद मैं सीधे निकल पड़ता हूं हरिद्वार से सोनप्रयाग के लिए। यात्रा स्टार्ट करने से पहले मैं गंगा जी में डुबकी लगाया और हर हर महादेव करते हुए मैं निकल पड़ा केदारनाथ के लिए। केदारनाथ जाते वक्त एक छोटा सा लैंडस्लाइडिंग में मैं फंस जाता हूं करीब 1 घंटा के लिए। फाइनली मैं पहुंच जाता हूं सोनप्रयाग। सोनप्रयाग से करीब 15 मिनट ऊपर चढ़ने के बाद मेरे को दिख जाता है सेरेबल जीप, जिसे मैं कर सीधे पहुंच जाता हूं गौरीकुंड। और नेक्स्ट डे फिर मैं निकल पड़ता हूं केदारनाथ जी के दर्शन के लिए। 1 किलोमीटर ट्रेक करने के बाद मैं जाकर थक के बैठ जाता हूं, और ये पानी मेरे को घूर रहा होता है पता नहीं क्यों। कुछ किलोमीटर चलने के बाद मेरे को मिलता है ये चौथा वाटरफॉल, जो रहा चलते हुए लोगों का जूता बिगाड़ रहा था, पर मैं पहन रखा था वाटरप्रूफ जूता, तो मेरे को कोई टेंशन नहीं था, मैं आगे बढ़ता रहा। कुछ किलोमीटर चलने के बाद मेरे को लगा बड़ी जोर की भूख और मेरे को दिखा खीरा वाला, तो मैं खीरा खाते हुए सीधे निकल पड़ा फिर केदारनाथ ट्रेकिंग के लिए। मैं चलता जा रहा था पर रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था, पता नहीं ये 20 किलोमीटर और कब तक खत्म हो। फिर से वाटरफॉल, ये वाटरफॉल तो मेरा दिल जीत लिया, मानो स्वर्ग से गंगा बह रहा हो। अब मानो मेरे पैर दुखने लगे थे, पर फिर भी मैं चलता रहा, और फिर मेरे को दिखा ये ब्रिज, जिसको देखकर मेरे को केदारनाथ मूवी याद आ गया। अब मेरे को लग रहा है कि केदारनाथ बस पहुंचने वाला है, पर नहीं, मैं गलत था, केदारनाथ अभी भी बहुत दूर था। फिर भी मैं चलता रहा। फाइनली कुछ और किलोमीटर चलने के बाद मैं पहुंच चुका केदारनाथ। 8 घंटा का ट्रैकिंग करने के बाद गिरते पड़ते मैं पहुंच जाता हूं केदारनाथ धाम। केदारनाथ जी के दर्शन करने के बाद मानो ऐसा फील हुआ कि जो एनर्जी मेरे से निकल गई थी वो वापस मेरे में आ गई। ठीक 1 घंटा बाद ट्रैकिंग करते हुए मैं लौट जाता हूं गौरीकुंड। गौरीकुंड से मेरे को जाना था हरिद्वार, जहां से मेरे को द्वारका का ट्रेन पकड़ना था, जो कि सप्ते में 1 दिन चलता है। इन टेरे मेरे सुंदर वादियों से होते हुए मैं पहुंच ही रहा था हरिद्वार कि अचानक यहीं कहीं लैंडस्लाइड हो जाता है और मैं करीब 8 घंटा के लिए यहाँ फंस जाता हूँ। लैंडस्लाइड में मेरे को एक ही टेंशन सता रहा था, वो कि मेरा द्वारका का ट्रेन कहीं छूट ना जाए, जो कि नेक्स्ट डे मेरा 7 बजे था। रात को ठीक 12 बजे रास्ता खुल जाता है और यहाँ जितने भी लोग हैं सब हर हर महादेव का जयकारा लगाते हुए निकल पड़ते हैं हरिद्वार के लिए। फाइनली मैं द्वारका का ट्रेन में बैठ जाता हूं और इन लोगों से मेरी दोस्ती हो जाती है। अचानक से मेरे को कुछ दिखता है बाहर और मैं आ जाता हूं गेट साइड इन सुंदर नज़ारों का मजा लेने। हरिद्वार से 1500 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद मैं फाइनली एंटर कर जाता हूँ द्वारका। द्वारकाधीश जी के दर्शन करने के बाद मैं टहलते टहलते आ पहुँचता हूँ गोमती रिवर के किनारे। मेरे को यहाँ पर कई सारे लोग नजर आते हैं जो कि अपने अपने कैमरे पे इस मोमेंट को कैप्चर कर रहे होते हैं, और मैं भी वही कोशिश कर रहा था कि अपने कैमरे से हो सके तो इस मोमेंट को कैप्चर करके रखने। है ना बड़ा खूबसूरत नज़ारा, तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि कुछ सेकेंड में आपको द्वारका कैसा लगा। अब नेक्स्ट डे मेरे को जाना था द्वारका से नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि द्वारका से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। फिर देर किस बात की, मैं निकल पड़ता हूँ द्वारका से नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए और मैं आ पहुँचता हूँ नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। यहाँ आकर मैं देखता हूँ कि कोई भीड़ भाड़ नहीं है, तो आराम से मंदिर के अंदर जाकर मैंने नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जी के दर्शन किए। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जी के दर्शन करने के बाद अब मैं लौट चला यहाँ से द्वारका। द्वारका पहुँचते ही सबसे पहले मैं अपना सामान पैक करता हूँ, क्योंकि मेरे को रात का ट्रेन से निकलना था सोमनाथ के लिए। अगर आप ऊपर से देखेंगे तो सोमनाथ टेंपल आपको कुछ ऐसा दिखेगा। मैं पहुँच जाता हूँ सोमनाथ स्टेशन और होटल पहुँचते ही मेरे को आ जाता है फीवर। मेरे तरह फीवर भी कुछ घंटों का मेहमान था और मैं निकल पड़ता हूँ सीधे सोमनाथ जी के दर्शन के लिए। सोमनाथ जी के दर्शन करने के बाद मेरे को अचानक से मन किया क्यों ना गुजरात में साइकिल चलाया जाए, क्योंकि
यहाँ पर साइकिल चलाने का अपना अलग ही मजा है। तो मैंने 10 रुपया देकर आधा घंटा के लिए साइकिल बुक करवा लिया। तो साइकिल से एक राउंड मारने के बाद मेरे को याद आया कि अब मेरे को यहाँ से जाना है उज्जैन महाकालेश्वर जी के दर्शन के लिए। तो देर किस बात की, फिर मैं यहाँ से निकल पड़ा सीधे उज्जैन की ओर। ट्रेन में सफर करते टाइम मेरे को मिल गया कुछ गुजराती अंकल, जिन लोगों के साथ सफर कर मेरे को काफी मजा आया और सफर का मजा डबल हो गया। और मेरे को पता ही नहीं चला कि कब गुजरात से मैं उज्जैन आ गया। तो इस वक्त मैं हूँ उज्जैन नानाखेड़ा बस स्टैंड में। यहाँ से मैं इन दोनों के साथ रेड बस में निकल पड़ता हूँ ओमकारेश्वर के लिए। पहले तो रास्ता बहुत ही स्ट्रेट था, फिर धीरे धीरे ऊपर नीचे पहाड़ से गुजरते हुए मैं पहुँच जाता हूँ रिवर ब्रिज क्रॉस करते हुए ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। फिर यहाँ पर अच्छा सा एक व्यू लेते हुए, क्या खूबसूरत नज़ारा है ना। अब यहाँ से मैं थोड़ा व्लॉग बनाते हुए ब्रिज क्रॉस करते हुए पहुँच जाता हूँ बाबा के द्वार। तो हर हर महादेव कहते हुए मैं निकल पड़ता हूँ मंदिर के बाहर। फिर मंदिर के बाहर पहुँचकर इंटरनेट वालों से थोड़ा प्राइस डिस्कशन करने के बाद, तो आज मैं जा रहा हूँ खंडवा से औरंगाबाद के लिए। ये विक्ट्री साइन इसलिए क्योंकि मैंने 6 ज्योतिर्लिंग कम्प्लीट कर लिया है, वो भी 15 दिनों में। और मैं अब जा रहा हूँ 7वां ज्योतिर्लिंग के लिए। तो मैं पहुँच गया खंडवा स्टेशन रात को 12 बजे और ट्रेन था 4 घंटा लेट। तो थका हारा मैं पहुँच चुका हूँ औरंगाबाद रेलवे स्टेशन। तो फटाफट नहा धोकर तैयार होने के बाद मैं निकल पड़ा हूँ ग्रीनेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए। आज मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि ग्रीनेश्वर ज्योतिर्लिंग से कुछ 1 किलोमीटर की दूरी पर है इलोरा केव, जो कि एक ज़माने में मेरा ड्रीम डेस्टिनेशन था। तो ग्रीनेश्वर जी के दर्शन करने के बाद मैं निकल चुका हूँ इलोरा केव के लिए। तो रास्ते में चलते चलते मेरे को लग गया बड़ी जोर की भूख, तो पहले पेट पूजा फिर बाकी कोई काम दूजा। तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ इलोरा केव, माई ड्रीम डेस्टिनेशन। तो मैं फटाफट जाकर लाइन पे खड़ा हो गया टिकट काउंटर के। टोकन लेकर मैं सीधे निकल पड़ा इलोरा केव की ओर। टोकन देखकर मेरे को कोलकाता मेट्रो का याद आ गया। सो फाइनली मेरे को इलोरा केव दिख गया, फोड़ा इलोरा केव। तो चलिए चलते हैं और आज करते हैं एक्सप्लोर इलोरा केव। इलोरा केव का एक चक्कर लगाने के बाद मेरे को याद आता है कि अब मेरे को यहाँ से नासिक के लिए निकलना है। नेक्स्ट डे मैं पहुँच जाता हूँ औरंगाबाद से नासिक। फिर नासिक से सुबह सुबह फ्रेश होकर मैं निकल पाता हूँ त्रिंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो इस बीच रास्ते में मेरे को लग जाती है बड़ी जोर की भूख, तो नाश्ते में मैंने फेमस बड़ा पाव खाया महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र का बड़ा पाव खाने के बाद मूड ऐसा स्विंग हुआ कि मैं नज़ारे का मजा लेते हुए सीधे पहुंच जाता हूं त्रिंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। त्रिंबक पहुंचते ही बारिश स्टार्ट हो जाता है और वेदर एक नंबर हो जाता है। वन सेकेंड ऐसा नज़ारा तो बार बार देखने को नहीं मिलता है। तो हर हर महादेव करते हुए मैं पहुँच जाता हूँ मंदिर के अंदर और मेरा मन खुल जाता है महादेव देव। तो कुछ फोटो शोटो लेने के बाद मैं यहाँ से निकल पड़ता हूँ 10th नंबर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए। तो मैं त्रिंबकेश्वर से निकल पड़ता हूँ पुणे के लिए। बस में ट्रैवल करने के भी अपने फ़ायदे हैं, पहला आपका पैसा बचता है, दूसरा बाहर का खूबसूरत नज़ारा। तो पुणे में एक दिन स्टे करने के बाद और बाइक अरेंज करने के बाद मैं निकल पड़ता हूँ पुणे से भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के लिए। तो मेरे को जाना था फ्रेंड के फ्लैट में बाइक कलेक्ट करने, तो सिद्धार्थ भैया ने कुछ दूर तक मेरे को छोड़ दिया। तो 60 किलोमीटर कंटिन्यू बाइक चलाने के बाद और 1.5 घंटा का सफ़र तय करने के बाद मैं आकर यहाँ रुक जाता हूँ, क्योंकि ऐसा खूबसूरत नज़ारा बार बार देखने को तो नहीं मिलता है ना। तो करीब 110 किलोमीटर कवर करने के बाद मैं फाइनली पहुंच जाता हूं भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग पहुंचने के बाद मैं अलग ही पॉजिटिविटी से घिर जाता हूं, क्योंकि मैंने नंबर 10th ज्योतिर्लिंग कंप्लीट कर लिया था, वो भी 17 दिनों में। फिर मैं इन सीढ़ियों से होते हुए सीधे पहुँच जाता हूँ बाबा के द्वार। भीमाशंकर जी के दर्शन करने के बाद मन को अलग ही एक खुशी महसूस होती है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद मैं जा रहा हूँ सिकंदराबाद। इस बार मैं अकेले नहीं जा रहा हूँ, इस बार मेरे साथ है 1000 लोग जिनको मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ। सो फाइनली मैं पहुँच जाता हूँ सिकंदराबाद का MG बस स्टेशन और यहाँ से मैं श्री सलेम का बस कर सीधे निकल पड़ता हूँ मल्लिकार्जुना के दर्शन के लिए। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी दूर तक मैं कभी अकेले भी आऊँगा, पर कहते हैं ना अगर बाबा हो साथ तो रास्ता खुद ब खुद बन जाता है। सो फाइनली अभी मैं हूँ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में। यही वो श्रीसलेम का ब्रिज है जो दोनों रास्तों को जोड़ता है। तो करीब करीब 6 घंटा का जर्नी करने के बाद मैं फाइनली पहुंच जाता हूँ श्रीसलेम। श्रीसलेम पहुंचते ही मेरा खुशी का ठिकाना नहीं था, मैं सीधे इन रास्तों से होते हुए चल जाता हूँ भोलेनाथ जी के दर्शन करने, पर मेरे को पता चलता है कि मंदिर फिलहाल अभी बंद है। तो मंदिर से लौटते हुए रास्तों के बीचों बीच मेरे को दिखा ये छोटा सा बच्चा, पर ये यहाँ क्यों बैठा था मेरे को समझ में नहीं आया। सो फाइनली मेरा 11वां ज्योतिर्लिंग कंप्लीट हो जाता है और मैं सीधे निकल पड़ता हूँ मल्लिकार्जुना से रामेश्वरम के लिए। तो रात को करीब 10 बजे मैं पहुँच जाता हूँ रामेश्वरम।
तो सुबह सुबह नहा धोकर मैं सीधे निकल पड़ता हूँ रामेश्वरम जी के दर्शन के। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद थोड़ा इधर उधर पूछने के बाद मेरे को पता चलता है कि यहाँ से 27 किलोमीटर की दूरी पर है द लास्ट लैंड ऑफ इंडिया धनुषकोटी। तो मेरे को पता चलता है कि ये बस धनुषकोटी के लिए निकलने वाला है, तो देरी ना करते हुए मैं चढ़ जाता हूँ इस बस पे और निकल पड़ता हूँ धनुषकोटी के लिए। सो फाइनली मैं पहुंच जाता हूँ द लास्ट लैंड ऑफ इंडिया धनुषकोटी। कुछ देर यहाँ टाइम स्पेंड करने के बाद मैं निकल पड़ता हूँ धनुषकोटी से रामेश्वरम के लिए, पर मेरे को पता चलता है कि मेरा बस निकल चुका है। अब मैं क्या करूँ, द लास्ट ऑप्शन मेरे को दिख गया और मैं फिर इन लोगों के साथ निकल पड़ा रामेश्वरम के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करें और आप मुझे इंस्टा और फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं।